हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकलव्य, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कमाल की खबर आ रही है शॉमी की तरफ से कि जो रेडमी K30S है वो रीब्रांड कर बेचा जाएगा, जो कि रीब्रांड होगा दोस्तों MI 10T का। और ये दोस्तों वाकई में एक बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि जो रेडमी का K30S है वो 10T से कम प्राइस में आने वाला है। और ये कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो 10T को ही रीब्रांड करके बेचेगा रेडमी K30S के नाम पर, और इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में भी हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं और देखते हैं कि ये इंडिया में कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात कर लीजिए, इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है। आगे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर पंच होल देखने को मिल जाएगा, और पीछे की तरफ भी आपको इसमें लेफ्ट साइड पर एक स्क्वायर शेप के अंदर मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप लग रहा है। अब दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मिल जाएगी 6.67 इंचिस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 409 PPI, और जिसका रिफ्रेश रेट है वो भी आपको इसमें मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और साथ में आपको प्रोडक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जो इसकी डिस्प्ले है वो काफी कमाल की लग रही है, यानी कि आपको डिस्प्ले इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपको इसमें मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट। यानी कि ये जो फ़ोन है ये 5G फ़ोन होने वाला है, और इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है 5G के हिसाब से, तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग आ जाती है। और इसके साथ में आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा एंड्रीनो 650, यानी कि जो आपका इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का होने वाला है। और इसमें आपको रैम भी अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी 6 GB की रैम, और इसके साथ में आपको मिल जाएगी 128 GB के इंटरनल स्टोरेज। लेकिन दोस्तों, आप इसको ही मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसमें एक और वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें आपको मिलेगी 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर लीजिए, आपको इसमें कैमरास काफी अच्छे खासे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो उसका मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिलेगा 64 MP का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, जो कि दिया गया है 13 MP का कैमरा। और जो तीसरा कैमरा है वो आपको इसमें 5 MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात की जाए, जो कि इसकी पंच होल के अंदर है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा 20 MP का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा। और आपको इसमें बैटरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि आपको इसमें मिल जाएगी बड़ी 5000 mAh की बैटरी। उसके साथ में आपको फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी मिल जाएगी, एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिलने वाला है। और इसके अलावा यह फोन आपको ड्यूल सिम में भी मिल जाएगा, आप दोनों नैनो सिम डाल सकोगे, लेकिन आप इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं यूज कर सकोगे, क्योंकि इसकी मेमोरी को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा आपको इसमें USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा, और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक आपको इसके साइड पर मिलने वाला है, जहां इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है वहीं पर आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात कीजिए, इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है 10T से, क्योंकि इसका प्राइस होने वाला है तकरीबन 27,000 रुपये, जो कि दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा December 8 को। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन न्यूज़ यही है कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इंडिया में आ जाएगा, जो कि है रेडमी का K30S, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, जो कि एक 5G फ़ोन है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस प्राइस में ये फ़ोन कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।